नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुरा एजुकेशन में। तो जैसे कि हमने आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। एक ऐसा युद्ध जिसने भारतीय इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, बहुत सारी, जो अपने आप में एक इतिहास बन जाती हैं। उन्हीं में से एक घटना थी भारतीय इतिहास में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। हम यहाँ चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि प्लासी के युद्ध से ही ये डिसाइड हो जाता है कि अब भारत में मुगलों के बाद जो प्रशासनिक सत्ता होगी वो अंग्रेजों की होगी, और वो बंगाल से शुरू होती है। इसलिए प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ों को यहाँ समझेंगे, रटेंगे नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पता होना चाहिए आप सभी को कि प्लासी आखिर है क्या चीज़ है। हम यहाँ चीज़ों को बहुत ही गहराई से और बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों को पता नहीं होगा कि प्लासी आखिर है क्या चीज़ है। दोस्तों, प्लासी एक जगह का नाम है सबसे पहले, जो हमारी कहाँ पड़ती है, जो हमारी बंगाल में पड़ती है। ठीक है, बंगाल में पड़ती है प्लासी जगह जो है, और प्लासी जो जगह है वो बंगाल में कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारी गंगा व हुगली नदी के पास। ठीक है, प्लासी एक जगह का नाम है जो हमारी बंगाल में पड़ती है और जो गंगा व हुगली नदी के पास में स्थित है। तो हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल में सत्ता स्थापित करनी अपनी पड़ी। उनका क्या इसमें जो है महत्व रहा है, क्यों उनकी लालसा रही है कि हम बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करें। इसके पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई लड़ाई पड़ती है, कोई युद्ध होता है, कोई बात होती है, कोई भी घटना होती है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे प्लासी के युद्ध के पीछों के कारण। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बंगाल की तरफ अंग्रेजों का रुख क्यों हुआ। इसके कुछ कारण थे, सबसे पहले हम जानेंगे कारण। तो क्या कारण थे, सबसे पहला जो मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय का जो बंगाल था ना, उसमें क्या क्या क्षेत्र आता था। उसमें आज का हमारा बिहार, उड़ीसा और प्लस बंगाल, ये जो क्षेत्र हैं हमारे, ये बंगाल के अंदर आते थे, जो आज का हमारा बांग्लादेश भी है, ये सब सारा बंगाल था। और बंगाल उस समय क्या था, बंगाल उस समय मेरे दोस्तों आर्थिक रूप से संपन्न था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है धन था, लोग बड़े उच्च वर्ग के रहते थे, अमीर लोग रहते थे। क्यों रहते थे, इसके पीछे भी कारण हो गए ना, क्योंकि देखो हमारा जो बंगाल है वो हमारा यहाँ पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों बंगाल हमारा यहाँ पड़ता है, एक तो यहाँ पर क्या लगती है सीमा, समुद्री सीमा लगती है, और दूसरा यहाँ पर गंगा नदी है, हुगली नदी है। अब बता दूँ आपको, जहाँ पर नदी होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सिंचाई के अच्छे साधन होंगे, और जहाँ पर सिंचाई के अच्छे साधन होते हैं ना, वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है, और जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है, और जहाँ पर फसल बहुत अच्छी है वहाँ के लोग भी अमीर होंगे। कैसे, क्योंकि वहाँ के लोग निर्यात करेंगे। तो उस समय क्या था, उस समय लगभग 60% जो कच्चा माल था भारत से, कच्चा माल 7% यूरोप कंट्रियों को जाता था। कहाँ से, अकेले बंगाल से। तो यूरोप कंट्रियों को माल जाएगा तो वहाँ से कुछ माल पत्ता तो आएगा ना, तो वहाँ से जो भी अपना सोना वगैरह, पैसा वगैरह जो भी आता था वो बंगाल के लोगों के पास आता था, और बंगाल के लोग उससे बहुत अधिक अमीर संपन्न हो गए थे। इसलिए बंगाल में बहुत ज़्यादा उस समय पैसा था। तो जहां पर पैसा होगा हम वहीं तो जाने की कोशिश करेंगे ना, तो ऐसे ही अंग्रेजों ने जाना, जानेंगे धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं अंग्रेज। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से संपन्न था, और यहाँ के जो है यहाँ का वातावरण, वातावरण में, वातावरण से मेरा मतलब है यहाँ पर जो प्रकृति, वन थी, वनस्पति थे, उसकी ओर भी अंग्रेजों का जो है बहुत ज्यादा लालच रहा। और दूसरी प्लस जो बात है, इसको समुद्री सीमा लगती थी। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा में से अंग्रेजों का क्या मतलब था कि अंग्रेज यहाँ से माल वगैरह इकट्ठा करेंगे, अपने गोदाम टाइप जो उनकी चीज़ें होती थी, फैक्ट्रियाँ, मैंने आपको बताया था यूरोपियन कंपनियों के आगमन के जब हमने पढ़ा था, फैक्ट्री टाइप कुछ इन्होंने गोदाम वगैरह बनाए थे इंडिया में, ताकि वो वहाँ पर अपने ले आएँ और यहाँ से सीधा नाव में अपना उसको लोड करें और सीधा यूरोप भेज देंगे। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण जिनसे अंग्रेजों का रुख हुआ बंगाल की तरफ।
ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी युद्ध होता है ना, कोई भी बात होती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो हम यहाँ चीजों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। यदि आप कारण हमेशा याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ। आप उसको दूसरे बंदों को भी समझा पाएंगे कि आखिर घटना क्या थी। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, 1707 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है, हमारे जो दिल्ली दरबार है, जो दिल्ली था उस टाइम 1707 में, तो वहां पर किसका, औरंगजेब का शासन था। हमारे जो औरंगजेब बादशाह थे, जो बहुत ही कुशल थे मुगलों के, इसके अंडर पूरा भारत था। तो औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाती है, तो इससे अंग्रेजों को पता लग जाता है कि अब भारत में कोई भी अच्छा जो मुगल है वो शासन करने लायक नहीं है। हमें थोड़ा सा कोशिश करने पर अंग्रेजों को मतलब अंग्रेज जो है, अगर यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो उनको पता था कि हम भारत में आसानी से अपनी प्रशासनिक सत्ता स्थापित कर सकते हैं। तो ये एक कारण सबसे बड़ा रहा है कि 1707 में एक कुशल बादशाह होते हैं दिल्ली दरबार में, औरंगजेब जो होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद शासन बिखर सा जाता है। तो क्या होता है, अपने 1717 में एक घटना होती है, हमारे फर्रुखसियार जी है ना, हमारे एक फर्रुखसियार बादशाह से मुगलों के, तो 1717 के करीब उस इसने क्या किया, इसने बंगाल में, हम बंगाल के और बढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या होता है, बंगाल में एक होते हैं हमारे मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो इसे ये बंगाल का दीवान घोषित कर देता है, यानी कि बंगाल का सूबेदार घोषित कर देता है। कौन, फर्रुखसियार। फर्रुखसियार जब इसे यहाँ का मुर्शिद कुली खां को यहाँ का नवाब वगैरह घोषित कर देता है कि आप जो है अब बंगाल में अपना शासन वगैरह चलाओ, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हमारे जो भारत होता ना दोस्तों, भारत में जो भी यहाँ पर मुगलों के शासक होते थे, तो यहाँ पर जो दिल्ली होता था, ये सारे कर वगैरह इकट्ठा करके दिल्ली पहुँचाया करते थे। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो जो अन्य शासक होते हैं छोटे मोटे, ऐसे ही बंगाल में जब मुर्शिद कुली खां जी शासन बनते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। ये भी अपने आप को क्या करते हैं, अपनी शासनिक प्रशासनिक सत्ता स्थापित करने शुरू कर देते हैं बंगाल के अंदर। कौन, मुर्शिद कुली खान जी, क्योंकि उनके जो नेता थे उनकी मृत्यु हो जाती है, अब दिल्ली से इनका ताना बाना थोड़ा सा है कट जाता है। तो मुर्शिद कुली खान जी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, यानी कि सभी प्रशासनिक काम बिना किसी का ऑर्डर माने अपने आप अपने अंडर करना शुरू कर देते हैं। तो 1717 में फर्रुखसियार जी एक महत्वपूर्ण घटना करते हैं, जो प्लासी के युद्ध में सबसे बड़ा कारण बनती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, फर्रुखसियार जी को 1717 के करीब कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, यानी कि कहते हैं किताबों में लिखा है कि इनकी टांग वगैरह पे फोड़ा हो जाता है, और फोड़ा इतना मतलब इतना दुर्लभ मतलब इतना इतनी तगड़ी बीमारी बन जाती है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इनकी मृत्यु तक स्थिति पैदा हो जाती है फर्रुखसियार जी की। और लेकिन अंग्रेजों की तरफ से, यूरोप से कुछ व्यक्ति आते हैं, फर्रुखसियार जी से मिलते हैं और इनकी वो बीमारी को ठीक कर देते हैं अंग्रेज जो होते हैं। तो फर्रुखसियार जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने सुना ही होगा ना, जो उस समय महाराजा राजा होते थे वो बहुत खुश होते थे, तो वो हीरे जवाहरात कुछ भी ना कुछ दान ऐसे ही कर देते थे। तो फर्रुखसियार जी को बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं तो मरने से बचा लिया है ना, तो इनको तो जीवन दान ही दे दिया था ना अंग्रेजों ने। तो लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती की, इसने क्या किया कि आपको, आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दीजिए और बंगाल में कर मुक्त व्यापार कीजिए, कर मुक्त व्यापार कीजिए, सिर्फ 5,000 रुपये दे दिए वार्षिक, और 10,000 रुपये आप मुझे सूरत के दे दीजिए। बस यही मुख्य कारण रहेगा उस सारे युद्धों का, बंगाल में जितने भी युद्ध होंगे, बक्सर का युद्ध हो चाहे प्लासी का युद्ध हो। तो फर्रुखसियार जी ने एक जो सबसे बड़ा दस्तावेज अंग्रेजों को जारी किया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो ये जो है वो मैग्ना कार्टा था। इसमें कहा था अंग्रेजों को कि आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दीजिए और बंगाल में वार्षिक जो है कर मुक्त व्यापार कीजिए, आप जितनी मर्जी चीज़ें यूरोप से लाइए, भारत में जैसे मर्जी बेचिए, लेकिन भारत की वस्तुओं पर कर लगता था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों को अब कर मुक्त व्यापार करने के लिए मिल गया। अब इसका धीरे धीरे जो है कुछ राजा विरोध करेंगे और युद्ध होने की स्थिति भारत में पैदा हो जाएगी। तो ये अंग्रेजों को एक क्या कहते हैं ना, भी शेर के मुंह में खून लग जाता है, जिसको फोगट की खाने की आदत पड़ जाती है, वो वाली बात यहाँ अंग्रेजों पर लागू होती है। अंग्रेजों को फ्री का खाने की आदत पड़ जाती है, और बाद में जब इसका विरोध किया जाएगा ना, तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों को बड़ा गुस्सा आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फर्रुखसियार जी ने क्या किया, मुर्शिद कुली खान जी को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया कि अब आप यहाँ पर सत्ता स्थापित करिए।
तो इससे आगे क्या होता था, फर्रुखसियार जी जब अपना इसको मुर्शिद कुली खां को यहाँ का नवाब घोषित कर देते हैं, तो दोस्तों मुर्शिद कुली खां जी ने एक बात कही थी। क्या कहा था, बंगाल के मुर्शिद कुली खां जो सूबेदार थे उस समय नवाब थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज उस मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हैं, जिसको आप सहेंगे तो आप वो आपको शहद देंगे, और यदि इसको आप छेड़ेंगे तो वो आपको काट खाएंगे। ऐसी स्टेटमेंट किसने दी थी, मुर्शिद कुली खां ने भी दी थी। तो इसमें क्या होता था, मुर्शिद कुली खां के बाद कुछ जो जितने भी हमारे अब आगे नवाब आएंगे, कि दो वो हमारे लिए अपॉइंटेड नहीं है, जितने भी हमारे एक दो नवाब आएंगे, तो वो उन्होंने जो है उन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। उन्होंने जो फर्रुखसियार जी वाला दस्तावेज जो मैंने आपको भी बताया, उसका विरोध नहीं किया। वो उनका मानना था ये था, जो मुर्शिद कुली खान जी के बाद दो तीन नवाब आए हैं, उनका मानना ये था कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, इससे हमारा फायदा हो रहा है, हमारा जो है व्यापार वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है और हमें जो है इससे आमदनी हो रही है। उन्होंने अंग्रेजों का ज़्यादा व्यापार में ज़्यादा जो है बिघन नहीं डाली, अंग्रेज़ों से वो मतलब ज़्यादा मुठभेड़ उनकी नहीं हो। उन्होंने जो फर्रुखसियार जी द्वारा दस्तावेज जारी किया था उसका विरोध नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद एक नवाब बनते हैं हमारे अली वर्दी खां जब नवाब बनते हैं ना, तो ये बंदा जो है अंग्रेज़ों के दस्तावेज का विरोध करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की चाल को समझ जाता है। क्योंकि अब जो है जो कंपनी का मैगना कार्टा दिया था हमारे फर्रुखसियार जी ने, दस्तावेज जारी किया था, उससे क्या हो रहा था, बंगाल का जो कर था, जो राजा महाराजा को कर मिलता था, उसमें थोड़ी कटौती हो रही थी। और अली वर्दी खान इस बात को जान गए थे कि अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, मेरे साम्राज्य में शोषण कर रहे हैं। भाई भारत के बंदों पर तो कर लग रहा है व्यापार करने का, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं। अब अली वर्दी खान जी थोड़ा थोड़ा इसका विरोध करना शुरू कर देंगे, लेकिन अंत में क्या समय आता है इसके, अली वर्दी खान जी के बाद आगे दो दूसरी बात आती है। अली वर्दी खान जी की हमारी तीन पुत्रियाँ थी, जो अली वर्दी खां थे हमारे, अली वर्दी खां थे, इनकी हमारी कितनी, इनकी तीन पुत्रियां थी मित्रों। एक सबसे बड़ी पुत्री थी, फिर उससे छोटी पुत्री थी। तो फर्रुखसियार जी ने क्या किया, फर्रुखसियार जी को तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो उनकी बात माने और अंग्रेजों का विरोध करे। तो इसने क्या किया, अपने सबसे छोटी पुत्री, इनकी सबसे जो छोटी पुत्री थी उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिजारुद्दौला। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, उसका नाम था सिजारुद्दौला, इसका नाम था सिजारुद्दौला। तो इसने इसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो यहीं से इस बंदे ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब अली वर्दी खां थे तो उन्होंने सिजारुद्दौला जी को एक बात समझाई थी कि कैसा भी हो अंग्रेजों की सत्ता बंगाल में स्थापित नहीं होने देनी है। तो यहाँ सिजारुद्दौला जी जो होते हैं वो बंगाल के नवाब घोषित कर दिए जाते हैं अली वर्दी खां द्वारा। इनकी तीन पुत्रियाँ थी, तीन पुत्रियों में सबसे छोटी जो पुत्री थी उसका पुत्र सिजारुद्दौला जी को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और जो बाकी इनकी दो पुत्रियां थी, अब जब इनके जो पुत्र थे दो पुत्रियां के अली वर्दी खां जी के, अब इसके नाना जब उन्होंने पुत्र वगैरह ने देखा, इनकी मौसियां ने, कि भाई इसने तो सबसे छोटी पुत्री के बेटे का नवाब घोषित कर दिया बंगाल का, तो ये बंदे तो उसका विरोध करेंगे ना, इसकी जो पुत्रियां थी। तो एक इसकी मौसी थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, और एक इसकी मौसी का पुत्र था जिसका नाम था शोकातगंज। इनको बड़ा बुरा लगा कि भाई हमारे नाना ने तो यार इसको कर दिया, सिजारुद्दौला जी को बंगाल का नवाब घोषित, इतना बड़ा पद इस बंदे को दे दिया। यदि मैं कहूँ कि आज के मान ले कोई सीएम होगा ना कहीं भी किसी भी राज्य का, और किसी सीएम क्या कहता है, उसके तीन बेटे होते हैं, वो सबसे छोटे बेटे को अपना कहता भी तू सीएम बनेगा, तो बाकी दो बेटे चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे ना। तो ऐसे ही जिनकी जो घसीटी बेगम थी इनकी मौसी और शोकातगंज, इनको बड़ा दुख हुआ, इन्होंने इस बंदे का विरोध करना शुरू कर दिया सिजारुद्दौला जी का। आगे ये भी प्लासी के युद्ध में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे विरोधी दल के रूप में, घसीटी बेगम और शोकातगंज। अब अली वर्दी खान जी का यहाँ पर शासन खत्म हो जाता है, सिजारुद्दौला जी का यहाँ पर शासन शुरू हो जाता है। सिजारुद्दौला जी बड़े बेचारे बड़े ये जागरूक थे, इनको पता था कि अंग्रेज जो है भारत में व्यापार करने नहीं आए हैं, ये तो व्यापार नहीं, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। तो उसी समय जब यहाँ पर सिजारुद्दौला जी का अपना
सिजारुद्दौला जी का शासन था। तो उसी समय दोस्तों मैंने आपको बताया था जब हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था कि भारत में क्या था, सॉरी यूरोप में जब अपना युद्ध चल रहे थे अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच। तो जब अंग्रेजों के यूरोप में फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के बीच युद्ध कर रहे थे तो उसी समय भारत में भी उनके बीच युद्ध चल रहे थे, वाहन की लड़ाई पड़ रही थी तो यहाँ भी लड़ाई पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, एक कर्नाटक आयुद्ध था हमारा, जो हमारा 1756 से लेकर और 1763 तक चला। इसके हम सप्तवर्षीय युद्ध से भी नाम से है, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही ये युद्ध होता है तो कर्नाटक में किस किसके बीच होता है ये, अंग्रेज। अच्छा मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही जो कारण है कर्नाटक का युद्ध बंगाल में भी बनेगा, कैसे हम इसको भी कनेक्ट करने वाले हैं। तो अंग्रेजों को किस किसके बीच होता है, फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है। तो कर्नाटक में युद्ध चल रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, क्यों चल रहा है, क्योंकि अंग्रेज चाहते हैं कि हमारी सत्ता भारत में रहे और फ्रांसिस चाहते हैं कि हमारी सत्ता भारत में रहे। एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं रह सकती ना, तो वही बात यहाँ पर हो रही है, कर्नाटक में युद्ध चल रहा है। तो जब युद्ध होता है तो उसमें अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है, उसमें पैसे की जरूरत होती है, उसमें धन की जरूरत होती है, उसमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, किसके लिए, सेना के लिए। तो अंग्रेजों को जरूरत थी किसकी, सेना की, और सेना के लिए रखरखाव की, पैसे की, ऐसे ही फ्रांसीसियों की थी। तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू कर दी जहां जहां इनकी कोठलियां थी, ऐसे ही फ्रांसीसियों ने। तो इनकी कोठलियां बंगाल में भी थी, तो बंगाल में भी इनकी कोठलियां थी भाई, इनकी अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की। तो बंगाल में इनकी कोठलियां थी, फ्रांसीसियों की जो हमारी कोठली थी वो थी हमारी अपना चंद्रनगर के फ्रांस में, सॉरी बंगाल में की जगह है चंद्रनगर, वहां पर फ्रांसीसियों की एक कोठी थी व्यापारी, और ऐसे ऐसी हमारी अंग्रेजों की थी कलकत्ता में, जिसे हमने फोर्ट विलियम का नाम भी दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही कलकत्ता में एक कोठली थी अंग्रेजों की और एक थी फ्रांसीसियों की। तो जैसे ही हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध चलता है, ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, तो ऐसे ही क्या हुआ, अब फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की, और यहाँ पर बंगाल में कोठड़ी है ना, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी जो ट्रेड सेंटर थे, इन्होंने इसकी किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि कभी भी हमारा युद्ध हो सकता है आपस में। तो जब इन्होंने अपनी किलेबंदी से मेरा मतलब है उसकी चार दीवारी शुरू कर दी इन्होंने अपना, ताकि हम मजबूत रहें, हमारा यदि युद्ध हो फ्रांसीसियों के साथ। तो इन्होंने क्या किया, तो जब सिजारुद्दौला जी को इस बात का पता लगा कि भाई इन्होंने तो यहाँ पर किलेबंदी शुरू कर दी मेरे बिना, यदि आपके राज्य में आप कोई भी मतलब कुछ भी काम करने लग जाए, हमारा कोई दूसरे देश से आके व्यक्ति कोई फैक्ट्री बड़ी सारी फैक्ट्री वगैरह लगाना शुरू कर दे बिना सरकार की इजाजत, तो क्या करते हैं, सरकार उस पर एक्शन लेती है ना, और बड़े गुस्सा होते हैं। उस समय जो हमारे नवाब थे सिजारुद्दौला जी, इनको बड़ा दुख आया, इनको पता था वैसे अंग्रेजों की चाल, क्योंकि इनके पिता थे जो इनके नाना थे अलीवर्दी खां, उनको समझा कर चले गए थे। क्योंकि सिजारुद्दौला जी को जब इस बात का पता चला कि चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने किलेबंदी शुरू कर दी और कलकत्ता में अंग्रेजों ने, तो इस बंदे ने, सिजारुद्दौला जी ने दोनों बंदे को नोटिस भेजा, इनको कहा कि तुरंत अपना काम बंद कर दीजिए। तो फ्रांसीसियों ने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं मानी, तुम कौन हो, क्योंकि अब फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को पता चल चुका था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, अब बंगाल में जो नवाब हैं वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, इनका डर इनके अंदर अंग्रेजों के अंदर नहीं था। तो इन्होंने अपनी किलेबंदी शुरू रखी, जारी रखी, नहीं माने, हम नहीं हटेंगे। तो सिजारुद्दौला जी हमारे नवाब थे, बड़े गुस्सा हुए, इन्होंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं तुम। तो इन्होंने अपना जो है सेना लेकर चल पड़े कलकत्ता के फोर्ट विलियम की, और क्या कर दिया, इन पर हमला कर दिया। हमारे जो सिजारुद्दौला जी थे इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों पर हमला कर दिया, इनके फोर्ट विलियम पर। ये लगभग जून 1756 की तरफ की बात है। हम अभी युद्ध के बैकग्राउंड के, प्लासी का युद्ध है ना, इसके हम अभी बैकग्राउंड चल रहे हैं, इसके पीछे की आखिर क्यों होता है। तो क्या होता है, सिजारुद्दौला जी यहाँ पर कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम पर अंग्रेज किलाबंदी कर रहे थे, तो सिजारुद्दौला जी उन पर हमला कर देते हैं जून 1756 के आसपास। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेजों की यहाँ पर हार हो जाती है, अंग्रेज इसमें हार जाते हैं और सिजारुद्दौला जी जीत जाते हैं। तो सिजारुद्दौला जी जब जीत जाते हैं तो अंग्रेजों को यहाँ फोर्ट विलियम से भगा देते हैं, ठीक है ना, फोर्ट विलियम से भगा देते हैं। और अच्छा यहाँ पर एक दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे घटना वास्तव में है या नहीं इसमें मतभेद है। इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि जब 1756 में अंग्रेजों के ऊपर सिजारुद्दौला जी ने हमला किया तो वहां पर एक जिक्र किया जाता है ब्लैक होल नाम की घटना हुई है,
ब्लैक होल है, जिसे हम काल कोठड़ी नाम घटना के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कहा गया है इसकी घटना का जो जिक्र है ना वो हार्वेल द्वारा किया गया है। हार्वेल द्वारा कैसे किया गया, हार्वेल द्वारा कहते हैं, हार्वेल जी लिखते हैं कि 1756 में अपने जो सिजारदुल्ला जी थे उन्होंने क्या किया, एक छोटे से कोठड़े में कई सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया, लगभग 150-200 छोटे से कोठड़े में, हमारा जैसे कमरे होते हैं हम घरों में, उसमें बंद कर दिया। उसमें बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, जिसमें से 2-3 बचे, जिसमें थे एक थे हार्वेल। हार्वेल ने अपनी भाग कर जान बचाई और इसे जो घटना का वर्णन किया, जिसे हम ब्लैक होल नाम घटना से भी जानते हैं, काल कोठड़ी नामक घटना से भी नाम से भी जानते हैं। तो ये थी वो घटना दोस्तों जिसमें कहा गया है कि वो हमारे सिजारदुल्ला जी ने कुछ अंग्रेजों को कटलों में बंद कर दिया था और कुछ सारे अंग्रेज में सड़कर मर गए थे। वास्तव में ये इसमें मतभेद है, भारतीय इतिहासकारों को कहना है कि ये घटना बिल्कुल गलत है, लेकिन ब्रिटिशर ऐसा लिखते हैं। हमने यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इस चीज़ों को यहाँ समझना है कि ये घटना क्या थी, कब हुई, ये कब हुई, 1756 में सिजारदुल्ला जी के समय में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या होता है दोस्तों, हम फिर दोबारा वापस आ जाते हैं कि जब अंग्रेज इसमें हार जाते हैं, जब ये कलकत्ता पर हमला करते हैं हमारे सिजारदुल्ला जी, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उसकी बिना इजाजत के किलेबंदी कर रहे थे। तो अब जब ये घटना हमारे कर्नाटक के, उस समय जो कर्नाटक में युद्ध चल रहा था सप्तवर्षीय, उसकी जानकारी हमारे यहाँ पर जो अंग्रेजों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं सेना का, उसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जी को जब ये बात पता चलती है कर्नाटक में कि ऐसे करके हमारे जो हमारा एक जगह है कलकत्ता में, उस पर एक बंदे ने हमला कर दिया, कलकत्ता के किसी बंदे ने, जो हमारे नवाब थे बंगाल के बंदे ने, किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया हमारी सेना के ऊपर, तो क्या हुआ, हमारे रॉबर्ट क्लाइव जी कहाँ पर कर्नाटक से कहाँ पहुँचेंगे, हमारे अब पहुँच जाएंगे ये बंगाल। ये कहता है कि मैं देखूंगा उस बंदे को कौन है जिसने हमारी सेना के ऊपर हमला किया। आज भी होता है ना, यदि किसी देश पर किसी दूसरा देश हमला कर देता है तो उस देश के व्यक्ति बड़ी रणनीति बनाते हैं दूसरे देश को हराने की। तो ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकीपूर्ण हमारे यहाँ पर पहुँच दिया, यहाँ पर कलकत्ता में, हमारे बंगाल में। तो पूरी बात का जायजा लेते हैं अंग्रेजों की तरफ से, अच्छा इसने अच्छे हमारे बंदों को हराया, इसने ऐसे ब्लैक होल नाम की घटना करी है। तो बड़े चालाक थे रॉबर्ट क्लाइव जी ने, क्या बड़ी रणनीति बनाई कि इसके सिजारदुल्ला जी को मैं यहाँ से खेड़ कर रहूँगा, अच्छा हमारे दस्तावेज का विरोध कर रहे हैं जो हमें दिया था भारतीयों ने, ऐसे ऐसे इन्होंने सोचा, पूरी रणनीति बनाई। इस तभी इस बंदे ने आकर पूरी जायजा लिया इस बात का कि आखिर बंगाल में चल गया रहा है। तो जैसे ही बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव जी पहुंचते हैं, वहां पर एक नई क्रांति आती है, वही बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होता है, तब जैसे ही पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, सिजारदुल्ला जी के जो है ये इसके देखते हैं इसके विरुद्ध कौन कौन है। तो उसको पता चलता है, एक तो उसके विरुद्ध है इसकी जो है मौसी, जिसका मैंने आपको शुरू में नाम बताया था, इसका नाम था घसीटी बेगम, और उसका इसका पुत्र था शोकातगंज। इनसे बात करता है पूरी भी ऐसा ऐसा है, क्या बात होगी, इसने कहा कि हमारे जो नवाब हमें बनना था लेकिन हमारे नाना ने इसको बना दिया गलती से, बताओ हम क्या करें। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इनको खरीद लिया, इनको लालच दे दिया कि आप टेंशन मत लो, आप हमारे साथ लगो, हम इसको जो है सिजारदुल्ला जी का सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और आपको भी धन वगैरह पूरा देंगे। इनको खरीद लिया और क्या किया, इसने जो बंगाल के बड़े बड़े नवाब थे, सॉरी नवाब नहीं, जो बड़े बड़े पूंजीपति व्यक्ति थे, जिसमें कुछ नाम है हमारे प्रमुख, जिसमें जगत सेठ, अमीचंद, तो इन्होंने क्या किया, हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने ये सारे बंदे खरीद लिए, बड़े बड़े जो जगत सेठ होते हैं, यानी कि जो परिवार के बंदे थे सिजारदुल्ला जी को, उनको खरीद लिया। और इन्होंने क्या किया, एक रणनीति बनाई किसके विरुद्ध, हमारे सिजारदुल्ला जी के विरुद्ध, जो बंगाल के उस समय नवाब थे। रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चलाक था, इसने भारतीयों को यूज़ करके, यानी कि इसके जो बंगाल के उस समय के जो व्यक्ति थे उन्हीं को यूज़ करके इन्होंने सिजारदुल्ला जी को सत्ता से उखाड़ फेंका। कैसे, तो इसने इनसे बात करी, इसने क्या किया, सिजारदुल्ला जी के जो मुख्य सेनापति थे, इसका महत्वपूर्ण नाम इसमें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्थान रहता है, वो है हमारे मीर जाफर। कौन था, सिजारदुल्ला जी की जो सेना थी उसका सेनापति था ये, जिसको हम कमांडर भी कह सकते हैं। तो मीर जाफर क्या था, सिजारदुल्ला जी की सेना का ये जो है सेनापति था। और अब क्या होता है, इसने मीर जाफर ने सिजारदुल्ला जी से मुलाकात करी। रॉबर्ट क्लाइव ने कैसे भी करके बड़ी चलाकी से मीर जाफर से मुलाकात करी और इसे मुलाकात करके कहा कि भाई तुम्हें जो है कितनी वेतन देता है, तुम्हें नवाब कितना वेतन देता है। इसने कहा इतना नहीं, नहीं आप तो बहुत भाई, आप तो बहुत दुख सह रहे हो, बहुत घाटे में हो, तो अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दें। मीर जाफर को खरीद लिया रात किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने
रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रातों रात खरीद लिया, अपनी तरफ कर लिया। क्या लालच दिया? सत्ता का लालच दिया कि रातों रात तुम तो बंगाल के नवाब बन जाओगे। अब जो एक छोटा सा सेनापति है रातों रात नवाब बनने की उसको सपने दिखाए जाए तो वो टिकेगा खुशी से? उसने कहा, हुक्म करो रॉबर्ट क्लाइव जी, क्या किया जाए, मैं तो नवाब बनूंगा। भाई लालच दे दिया अंग्रेजों ने इसको। और इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि जब हमारा युद्ध होगा, आप युद्ध करवाई हमारा से जरदुल्ला जी के साथ, बस आपने सेना को लड़ने का आदेश नहीं देना है, बाकी हमारा काम जाने हम जाने। रॉबर्ट क्लाइव जी यहाँ पर बिक जाते हैं, सारी उम्र किसका खाया, सी जरदुल्ला जी का। और मीर जाफर के जो हैं रॉबर्ट क्लाइव के यहाँ पर अधीन हो जाते हैं। सिर्फ किसका लालच? कुछ पैसों का लालच, कुछ गद्दी का लालच, लेकिन अपना ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया। ये तो वही बात हो गई ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। वही बात यहाँ पर हमारे मीर जाफर जी करते हैं, किसके? सिजारुद्दौला जी के साथ। क्योंकि यहाँ पर अब युद्ध होगा, अब हम बढ़ रहे हैं युद्ध की। और युद्ध में क्या होता है, 1756 की घटना है ये दोस्तों, 23 जून 1757 की घटना है, 1757 को एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे हम जाते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी के युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारे होते हैं हमारे अंग्रेज और दूसरी तरफ होते हैं हमारे भारतीय बंगाल नवाब। तो बंगाल का नवाब कौन होता है उस समय? सिजारुद्दौला। और अंग्रेजों की तरफ से कौन होता है? हमारे रॉबर्ट क्लाइव। तो जैसे ही अब इसने क्या किया, सिजारुद्दौला जी ने कंपनी का पूरा विरोध किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनकी सत्ता में रोकने का, पूरा प्रशासन स्थापित करने के, यहाँ के जो इनके मंसूबे थे उनको खत्म करने की कोशिश करी। तो इस कारण इसमें जो क्या होता है, इनके दोनों के बीच एक युद्ध होता है प्लासी नामक जगह पर। ये युद्ध होता है प्लासी नामक जगह पर युद्ध होता है। और कब होता है? 23 जून 1757 को। एक तरफ होता है हमारे रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी तरफ है सिजारुद्दौला जी। वास्तव में क्या होता है, जब ये युद्ध होता है ना, तो दोस्तों मीर जाफर जो होता है हमारा सेनापति सिजारुद्दौला जी का, ये क्या करते हैं, सेना को लड़ने का संदेश ही नहीं देता। अब जैसे ही आगे ना यहाँ पर तोपे वगैरह लेकर के, एक तरफ तो आगे हमारे अंग्रेज, ठीक है, और एक तरफ से हमारे यहाँ पर इसकी सिजारुद्दौला जी की सेना थी। इसमें क्या हुआ, जो सेनापति था ना हमारा, वो मीर जाफर, उसने सेना को लड़ने का संदेश ही नहीं दिया। तो बेचारे इधर से अंग्रेज आ रहे थे, इधर से हमारे सिजारुद्दौला जी बेचारे एक दो तीन चार बंदों के साथ रह गए, युद्ध होता था और इस युद्ध में सिजारुद्दौला जी की मृत्यु हो जाती है। वास्तव में युद्ध नहीं था दोस्तों, ये एक अंग्रेजों द्वारा रचा गया षड्यंत्र था। क्योंकि इसमें क्या होता है, युद्ध तो हुआ ही नहीं, सारी सेना तो पीछे हट गई ना मीर जाफर के कहने से, बेचारे सिजारुद्दौला जी कुछ व्यक्तियों के साथ फंसे रह गए और उनको मरना ही था। कहाँ पर इतनी सेना, कहाँ पर इतनी सेना। वास्तव में सिजारुद्दौला जी के पास लगभग 5,000 सैनिक थे उस समय, और जबकि अंग्रेजों के पास बहुत सारे कम थे, 3,000 के लगभग शायद थे। तो उसमें क्या होता है, लेकिन मीर जो जाफर है वो बिक जाता है और सिजारुद्दौला जी यहाँ पर युद्ध में अकेला रह जाता है। और इसमें सिजारुद्दौला जी मारे जाते हैं और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। वास्तव में अंग्रेज अब अगला नवाब बनाएंगे मीर जाफर को। तो ये थी हमारे प्लासी के युद्ध की घटना। अब इसके बाद भी कुछ क्या होता है दोस्तों, अगले बंगाल के नवाब बनाए जाते हैं हमारे कौन, मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है, ठीक है। अब जब ये जो नवाब था ना, वास्तव में कोई नवाब नहीं था मेरे मायने में, ये तो अंग्रेजों की सिर्फ कठपुतली थी, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बनाया था। जब मीर जाफर को अंग्रेजों ने बनाया तो उसने क्या किया, अंग्रेजों ने इससे खूब धन लूटा, खूब पूरा बंगाल का पैसा लूट लिया, लगभग तीन करोड़ इससे पैसे लूटे। कब? 1757 के समय दोस्तों, 1757 के समय की बात कर रहा हूँ। उस समय 3 करोड़ कितनी अमाउंट होगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। 3 करोड़ अंग्रेजों ने लूटे। क्यों लूटे थे? क्योंकि कर्नाटक का युद्ध हो रहा था, अपनी साम्राज्यवादी नीति अपनानी थी, अपनी प्रशासनिक सत्ता स्थापित करनी थी, और प्रशासनिक सत्ता स्थापित अंग्रेजों की यहाँ पर हो भी गई है। क्योंकि मीर कासिम जो है अंग्रेजों की सिर्फ एक कठपुतली है, वो सिजारुद्दौला जैसा नवाब नहीं है अंग्रेजों का विरोध करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, कंपनी को और ज़्यादा कर मुक्त व्यापार मिल गया, निजी व्यापार भी यहाँ पर अब अंग्रेज करने लगे कर मुक्त। क्योंकि कंपनी का जो मैगना कार्ड था फ्रुक्सियार जी ने यहाँ पर इनको अंग्रेजों को दिया था, वो तो चल ही रहा था, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया ना। अब अंग्रेज यहाँ पर कर मुक्त व्यापार जैसे मर्जी करेंगे, क्योंकि जो बंगाल का नवाब है वही खरीद लिया अंग्रेजों ने। अगर देश के प्रधानमंत्री को ही खरीद लेते हैं, उसकी सरकार को ही खरीद लेते हैं कोई दूसरे देश का आदमी, तो वो देश क्या है,
उस देश तो फिर ऐसे ही चलेगा ना दूसरे देश के कहने पे। तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना लिया। तो पूरा बंगाल का प्रशासन किसके कहने पर चला, अंग्रेजों के कहने पर चल रहा था। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध दोस्तों, चीज़ों को समझेगा रटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते हैं। क्या आपको हम एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, क्या घटना होती है 1756 के बंगाल, एक बंगाल में एक जगह है प्लासी नामक, वहाँ पर जो है ये युद्ध होता है अंग्रेजों का। किस किस के बीच होता है, अंग्रेजों के बीच और फ्रांस इसके भारतीयों के नवाब के बीच, बंगाल के जो समय नवाब थे। क्यों होता है, क्योंकि 1756 में युद्ध चल रहा था कर्नाटक का, वहाँ पर अंग्रेजों को पैसे की जरूरत थी, सत्ता की स्थापित करने उनकी मंशा थी, साम्राज्यवाद की नीति अपनानी थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसीसियों को हराना था, कहीं फ्रांसीसी भारत में सत्ता स्थापित ना कर ले, अंग्रेजों को ऐसा डर था। तो अंग्रेजों ने उसको हराने के लिए बंगाल में से पैसा लूट कसोसने की अपनी नीति अपनाई। और उसी दौरान क्या होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसी बंगाल में अपने अपने किलों पर किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं। फोर्ट विलियम पर अंग्रेजों का अधिकार होता है, वहां पर उसकी किलाबंदी करना देते हैं। तो बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला होते हैं, दोनों को संदेश भेजते हैं कि अपनी अपनी किलेबंदी जो है आप बंद कर दीजिए, लेकिन अंग्रेज जो है इसमें नहीं मानते। इसमें से अपना जो होते हैं अपना फ्रांसीसी मान जाते हैं, वो किलेबंदी बंद कर देते हैं अपनी। तो इससे सिराजुद्दौला जी क्या करते हैं, नाराज होते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी नहीं बंद करी, तो वो उस पर हमला कर देते हैं और उसमें अंग्रेज हार जाते हैं। तो जैसे इस बात की घटना हमारे कर्नाटक में बैठे रॉबर्ट क्लाइव को पता लगती है, जो अंग्रेजों का अधिकारी होता है, तो वो क्या करता है, बंगाल पहुँचता है, पूरी बात का जायजा लेता है, रणनीति बनाता है, कुछ उसके बंदे को खरीद लेता है, किसके, सिराजुद्दौला जी के, उसके जो जो विरोध कर देता है सभी बंदों को, उसके सेनापति को खरीद लेता है मीर जाफर को। तो मीर जाफर को जैसे ही खरीद लेता है, तो वो कहता है आप इस युद्ध की एक डेट फिक्स कीजिए, युद्ध करवाइए हमारा सिराजुद्दौला जी के खिलाफ। तो जैसे ही युद्ध होता है, तो मीर जाफर अपनी सेना को लड़ने के लिए संदेश नहीं देता, तो इसमें सिराजुद्दौला जी की हार हो जाती है और जो है रॉबर्ट क्लाइव जी जो हमारे जीत जाते हैं, और इसमें मीर जाफर को यहाँ पर अंगला बंगाल का नवाब बना देते हैं। कठपुतली होता है, जो पूरा पैसा बंगाल का इनको देता रहता है समय समय पर, किनको, अंग्रेजों को, और इसमें कर मुक्त व्यापार करने की और भी ज़्यादा नीति जो है भारत में स्थापित हो जाती है। तो ये थी हमारे प्लासी का युद्ध, तो उसके बाद ही हमारा बक्सर का युद्ध हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बातें, कुछ मैंने आपको बहुत आसानी से यहाँ समझाई है, इनको नोट कीजिएगा, चीज़ों को रिविज़न कीजिएगा, क्योंकि किताबों में ना अगर प्लासी का युद्ध पढ़ोगे, मैं कहता हूँ इतनी टफ लैंग्वेज है, आपको शायद समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम चीज़ों को यहाँ बहुत ही आसान लेके आए हैं। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।